आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। लंबे अरसे के बाद स्मार्ट सिटी के तहत बिहार शरीफ में भी अब यातायात की व्यवस्था में सुधार के लिए और शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए दो दिनों बाद अर्थात शनिवार से ट्रैफिक लाइट व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। ट्रैफिक लाइट व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए आज यातायात डीएसपी नगर निगम व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और थाना अध्यक्षों ने व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल चौक के आसपास के अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया। मौके पर डीएसपी यातायात अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तत्काल ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की शुरुआत अस्पताल चौक से की जा रही है। इसके बाद शहर के अंबेर चौक भराव पर सोसराय समेत अन्य जगहों पर लगाए गए ट्रैफिक लाइट की शुरुआत की जाएगी। इससे जहां लोगों को जाम की समस्या से कुछ हद तक निजात मिलेगी, वहीं धीरे धीरे लोग इसका अनुपालन भी करने लगेंगे। यातायात नियम के उल्लंघन करने वालों का या सिग्नल तोड़ने वालों का वाहन चालकों से फाइन वसूलने की व्यवस्था की गई है। शहर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं परसों शनिवार से हॉस्पिटल चौक पर ट्रैफिक लाइट चालू करने के लिए। यहाँ पर गाड़ियाँ आप ट्रैफिक लाइट के अनुसार चलेंगी, तो उसके लिए अभी हम लोग ये चारों तरफ का जो रोड है, जो अतिक्रमण है, उसको अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के भी पदाधिकारी लोग आए हैं, इनसे हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो चारों कोना है उनको थोड़ा सा चौड़ा कराएं, जो रोड पर और रोड के किनारे पोल वगैरह हैं उनको थोड़ा सा पीछे एडजस्ट करें जिससे गाड़ियों का यातायात सुचारू रूप से हो सके। ये मैक्सिमम प्रयास ये रहेगा कि शनिवार से हम लोग ट्रैफिक लाइट के अनुसार हॉस्पिटल चौक पर गाड़ियां चलाएंगे। और भी 6-7 जगह का प्रोग्राम है, लेकिन तत्काल में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। इसका को जब सही सुचारू रूप से हम लागू कर लेंगे, उसके बाद सोसराय चौक, अंबेर चौक वगैरह पर भी हम लोग धीरे धीरे ट्रैफिक लाइट से गाड़ियों का चलना शुरू करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वक्त टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।